हेलो दोस्तों, मेरा नाम शाहरुख और आप देख रहे हैं सारगर टेक्निकल। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करें ई सुपर फाइल एक्सप्लोरर एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, एप्लीकेशन है क्या और किस प्रकार से काम करेगा, इस वीडियो में इस एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को लास्ट तक बने रहना। वीडियो भी अच्छा लग जाए तो प्लीज दोस्तों वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो दोस्तों, ये एक फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन है जिसके अंदर यहाँ पे आप पावरफुल लॉकिंग नेटवर्क वगैरह आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप फाइल मैनेजमेंट देख सकते हैं, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट होता है उस प्रकार से। इसके अंदर आप इसके यहाँ से जंक क्लीनर वगैरह भी कर सकते हो, क्लीनअप ऑप्शन अवेलेबल से यहाँ पर सपोर्टेड आपको जंक क्लीनर ऑप्शन भी मिल जाएगा। इसके अंदर काफी सारी चीजें दी हुई है एंड इसके अंदर काफी सारी कंट्रीज का लैंग्वेज के अंदर भी यूज कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को, जिसके अंदर काफी सारी कंट्रीज के लैंग्वेज दी हुई है, आप उस कंट्रीज के लैंग्वेज के अंदर भी इसको यूज कर सकते हो। इसका यहाँ पे ऑप्शन इस प्रकार से दिखाई देगा आपको, यहाँ से आप इसको यूजिंग ऑप्शन इस प्रकार से दिखाई देगा। इसके अंदर स्टोरेज वगैरह, आपके इमेज फोटोज, इसके अंदर इमेज साउंड, यहाँ पे मूवीज वगैरह कितने जीबी का, यहाँ पे आप स्टोरेज सब देख चेक कर सकते हो। क्लीनअप का ऑप्शन अवेलेबल से जंक क्लीनअप यहाँ पे कर सकते हो आप क्लीनर का ऑप्शन से। इसके बाद दोस्तों, लोबी के अंदर यहाँ पे आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, लाइब्रेरी के ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा, मैनेजमेंट है, फाइल क्रॉप पूरा ऑप्शन, सर्चिंग बाय ऑप्शन भी अवेलेबल से इस एप्लीकेशन का। तो चले करते हैं एप्लीकेशन को ओपन, आपको बताता हूँ इस एप्लीकेशन का यूजिंग किस प्रकार से आएगा। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से ओपन हो गया दोस्तों, जिसके अंदर यहाँ पे वेट करना है। वेट करने के बाद पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो गया, जिसके अंदर फाइल मैनेजमेंट का जिस प्रकार से होता है अपने मोबाइल्स के अंदर, उसी प्रकार से इस एप्लीकेशन नेटवर्क साइड करता है वर्किंग। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको इमेज का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, वीडियोज का, म्यूजिक, ऐप, यहाँ पे जो कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटली, इस प्रकार से सभी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। जिसके अंदर यहाँ पे क्लीनर का ऑप्शन अवेलेबल है, न्यू फाइल मैनेजमेंट बनाएंगे तो आप अगर बुकमार्क वगैरह चाहते हैं यहाँ पे बुकमार्क्स वगैरह दिखाई देंगे। टूल्स का ऑप्शन है तो यहाँ पे टूल्स वगैरह इसके अंदर आ जाएंगे। और उसके बाद यहाँ से क्लीनर की बात करूँ तो क्लीनर के अंदर यहाँ पे पूरा इस प्रकार से आ जाएगा, जिसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पे पूरे की पूरा डॉक्यूमेंट फोटोज वगैरह देख सकते हो। वीडियोस की बात करूँ तो यहाँ पे आप अपनी वीडियोस वगैरह भी प्ले कर सकते हो। इसके अंदर साउंड, इमेज वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो, इमेज वगैरह सॉरी यहाँ पे ऑडियो वगैरह की बात करूँ तो ऑडियो वगैरह में यहाँ पे आपको दिखाई देगा इस प्रकार से ऑडियोस वगैरह के अंदर। उसके बाद दोस्तों, एप्लीकेशन मैनेजमेंट का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, जो ऐप होते हैं आपके मोबाइल्स में यूज करते हो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके होंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह इस प्रकार से आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई देगा प्रीप फाइल्स, फाइल्स जैसे कि फाइल बनती है अपने, जो कि फाइल्स वगैरह रहते हो, फाइल्स वगैरह कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे। लोकल फाइल वगैरह बनती है, जो सर्चिंग करना है आपको तो सर्च के अंदर यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ डाटा फाइल्स के इतने सारे यहाँ पे इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों, थ्री डॉट वाली लाइन की बात करो तो स्टोरेज ऑप्शन दिखाई देगा आपको, सिस्टम पूरा की पूरा नेटवर्क के अंदर यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई देगा। बुकमार्क के अंदर एप्लीकेशन और डाउनलोडिंग का वर्किंग होता है। उसके बाद दोस्तों, टाइपर के अंदर इमेज, वीडियोस, फोटोज, एप्लीकेशन हर चीज के अंदर इसके अंदर यहाँ पे होता है। टूल्स की बात करूँ तो यहाँ पे पूरे टूल्स के अंदर यहाँ पे क्लीनर हो जाएगा, जंक क्लीनर सब फाइल्स वगैरह आपको आ जाएगा। हाइड लिस्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगा इस प्रकार से, जिसके अंदर आप अपने फोटोज वीडियोस को बड़ी आसान से तरीके से इसके अंदर सेफली कर सकते हो दोस्तों। आसान से इजिली ऑप्शन दिया हुआ, रिफ्रेशिंग ऑप्शन भी इसके अंदर, जो कि आपके स्टोरेज कितने जीबी भर चुकी है, स्टोरेज वगैरह भी यहाँ पे दिखाई देगा आपको कितने जीबी का आपके मोबाइल के अंदर अवेलेबल, तो इंटरनल स्टोरेज कितनी भर चुकी है, तो यहाँ पे ये भी दिखाई देगा इसके अंदर। तो इस प्रकार से इस एप्लीकेशन का यूजिंग साइड है गाइस। वीडियो अच्छा लगा वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।